आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लखनऊ स्थित अपने आवास कालिदास मार्ग से कोविड प्रबंधन की समीक्षा दी। आवश्यक दिशा निर्देश, कहा कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं। जिला पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशी समर्थकों ने नई बाजार पुलिस चौकी में लगाई आग। पुलिस कर्मियों ने भागकर बचाई जान। पीएसी की गाड़ियों में तोड़फोड़ के साथ ब्रह्मपुर ब्लॉक पर भी किया तोड़फोड़। एसएसपी ने कहा नहीं बख्शे जाएंगे दोषी, होगी रासुका के तहत कार्रवाई। कोरोना कर्फ्यू, प्रशासन का बढ़ाया गया समय, अब 10 मई की सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा कर्फ्यू। एडीएम सिटी ने कहा शासन के निर्देशों का कड़ाई से कराया जाएगा पालन, आवश्यकता पर ही जारी होगा ई पास। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई कोरोना संक्रमण पर प्रभावी लगाम लगाने हेतु स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक। कोविड की जाँच बढ़ाए जाने के दिए निर्देश, कहा सावधानी ही है बचाव, अवश्य कराए वैक्सीनेशन। एसएसपी दिनेश कुमार पी की अध्यक्षता में संपन्न हुई कोरोना कंटेनमेंट जोन संबंधित बैठक। कंटेनमेंट जोन में आवश्यक कार्रवाई के दिए निर्देश। कलेक्ट्रेट स्थित उप संचालक चकबंदी कोर्ट में बुधवार को सभी 68 नव निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों को प्रमाण पत्र का किया गया वितरण। नव निर्वाचित सदस्यों ने कहा क्षेत्र का विकास करना ही होगा उनकी पहली प्राथमिकता। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन को लेकर 26 मार्च से लगाई गई आदर्श आचार संहिता 5 मई को हुई समाप्त, डीपीआरओ ने दी जानकारी। गोरखपुर में बुधवार को मिले 816 नए कोरोना संक्रमित मरीज, 4 की हुई मौत। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 46,225। अब तक 489 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 9,101 हो गए एक्टिव मरीज, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। एसपी सिटी एवं एडीएम सिटी ने किया कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण, कहा बैरिकेटिंग कर क्षेत्र के लोगों की बनाई जा रही है सूची, जिससे उपलब्ध कराई जा सके आवश्यक सामग्री। नवीन महवा मंडी में कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते नजर आए आड़ती, नहीं लगा रहे मास्क, ना कर रहे हैं सोशल डिस्टेंस का पालन। जनपद में जिला अस्पताल सहित सभी केंद्रों पर 18 साल से ऊपर के नागरिकों का किया गया वैक्सीनेशन। 45 साल के ऊपर के 6674 और 18 साल के ऊपर के 1832 लोगों को लगी वैक्सीन। नागरिकों ने कहा नहीं हुई कोई दिक्कत, अपनी बारी आने पर अवश्य कराएं वैक्सीनेशन। कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम के लिए लगाया गया लॉकडाउन का बुधवार को भी रहा असर। एसपी सिटी ने कहा लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्यवाही। महानगर में नगर निगम का सैनिटाइजेशन का महाअभियान है जारी। चारों जोन में लगातार चल रहा है सैनिटाइजेशन का काम। नगर आयुक्त ने कहा सैनिटाइजेशन से मिलेगी कोरोना संक्रमण से मुक्ति। नवीन महवा मंडी में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए रोस्टर का नहीं हो रहा है पालन। फुटकर बिक्री करते नजर आए कारोबारी, उड़ा रहे हैं कोविड नियमों की धज्जियां। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर नवीन मंडी में चलाया गया सैनिटाइजेशन अभियान। अपर नगर आयुक्त ने कहा सैनिटाइजेशन के जरिए कोरोना संक्रमण पर लगेगा लगाम। और कोरोना संक्रमण पर प्रभावी लगाम लगाने के दृष्टिगत लगाया गया आंशिक कर्फ्यू का, पुलिस राती में भी करवा रही है पालन। कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए जनता स्वयं कर रही है कर्फ्यू का पालन।